15 डिग्री, साइन 15 डिग्री है। 15 डिग्री को निकालने के लिए आप फिर नोट कर लिए, चाहे कोई भी आपसे पूछे, चाहे कॉस 15 पूछे, चाहे टेन 15 डिग्री पूछे, तो क्या करेंगे आप उसको हमेशा 45 माइनस 30 डिग्री लिख देंगे और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की वैल्यूज आपको मालूम है तो आप इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखिए साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा, अब आ जाएगा आपका ये साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, और वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यहाँ बेस सेम आ रहे हैं, 2√2 आ जाएगा, तो √3 - 1/√2 साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका कॉस 15 डिग्री आता है तो क्या करेंगे आप, वहाँ पर कॉस माइनस भी अप्लाई हो जाएगा। और यहीं पर आप 75 डिग्री की भी समझ लीजिए, 75 डिग्री आपको निकालने के लिए आता है तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख करके आप इसको ब्रेक करके फॉर्मूला अप्लाई करके कोई भी चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी पूछे आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई, अगला क्वेश्चन हमारा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं तो क्या आएगा आपका, ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब अगर आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, टेन एक्स है, तो टेन एक्स कब आता है, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और टेन वाई, टेन वाई आपका होता है साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो यहाँ पर टेन में चेंज कब होगा, जब साइन के अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे। अब ये ईच टर्म आपका कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर cos y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos x कैंसिल हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगा, यह पर कैंसिल हो जाएगा। अब sin x अपॉन cos x क्या आएगा, sin x अपॉन cos x आ जाएगा आपका 10x और sin y अपॉन cos y क्या आ जाएगा आपका 10y। इस तरह से ये भी वही 10x और ये 10y, तो ये कुल मिला के क्रम क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y विच इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का साइन 75 डिग्री, 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसलिए हम यहां पर साइन 75 डिग्री को लिखेंगे साइन ब्रैकेट में 45 प्लस 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ पर 2/√2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए ये फ्रैक्शंस डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा आपका ये √3 + 1/2 √2।